मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, तेरे ऊपर है कर्जा इतना इसे मैं भर नहीं सकता। अरे कैसे उदास है आज? अरे यार मंगल, उदासी की कहा बताऊं तो मैं तू हंस का ट्यूशन न जा रहे मास्टर जी के दौर है, उनके ठीक सामने एक पेला सो घर न आयो, वह घर में मेरे एक चौंद का टुकड़ा रह करो यार, वे वह घर खाली करके चले गए। कैसे? अरे कैसे कहा, वहां के बाप का कर्जा होगा, बेच के चलोगे घर है। तू क्यों उदास होगा? उदासी की तो बात है, तेरो जो टुकड़ा है ना चांद को, वासु छोटा टुकड़ा भी होगा एक, वासु 3 दिन पहले ही तो बात करी मैंने। तो रात में भगे हुए तो भी ना पता लगेगी, बताई भी ना चुप कर रो सेटिंग अन्ने। अब एक काम करें ना करें, दोनों मिलके वह कर्जा उतार दे। मैं रा नादान आदमी, मैंने सोची यू बात, अपने बाबा कुर्ता में खेच ले तो मैं तो, पर तो पता हो कर्जा कितना हो? 70 लाख है। काहे में कर लिया ही तो ना? काहे में कहा, वाका बाप जो पूरो, तीनों टाइम पनीर खावे हो, कर्जा तो होते ही। पनीर तो तुम भी खाओ और तुम पे तो ना हो कर्जा। ऐसे ही कह दे बेटा, पूरा कर्जा हम पे, बताओ कितना? बताई मत का ही है। 40 लाख है। वो तो अच्छा हुआ हमने 2-2.5 साल पहले खाना शुरू करो, नहीं हमारा भी कूद जाता 70-80। अब 40 लाख ये बाबा नु कह रहे हो, जो झोड़ के बगल में तुम्हारे 2.5 बीघे खेत है वहां निकालेंगे। अब बताइए मत यार, काई गम में ना बदनामी हो जा, फिर ब्याह शादी में दिक्कत आ जा। अब पनीर मुंह लग रहा, भाई क्या कर सकते हैं। ए भाई एक बात बता, मो अब कैसे बात बने, कैसे मुलाकात होगी, कुछ तो बता। बात तो बनेगी, तू चिंता मत कर, उनके रिश्ता पक्के हो गए। ब्याह आने वालों, बस अगले महीने दीख है, वहां को पापा जो ना न्यौता देगा हमें। मैंने कह दिए हम कन्यादान करें अच्छो खासो, या लालच में देगो, चलेंगे अपना दावत भी मिलेगी और कन्यादान कर आएंगे ना। तो पनीर मिलेगा फिर? हाँ पनीर ही पनीर मिलेगा। हो मैं तो 2 दिन पहले से रोटी ना खाने को हूँ, पनीर खाएंगे यार। देखो 3-4 दिन की तो बचेगी, हमारे घर भी है ना, बंधवा के भी लाएंगे। पिन्नी ले चलिए, वहां लाएंगे दो में है ना। अरे एक फायदा हो रहा है वाको, होच के जो है ना पनीर खाने से कितना ही भी खाइयो कर जाना चढ़ेगा।